क्लास 11th स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सेंस ऑर्गन में ईयर टॉपिक को। लास्ट सेशन में हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ विजन डिस्कस किया था, और एनसीईआरटी में अगर आप देखो तो एनसीईआरटी में ये आपका लास्ट टॉपिक है ईयर, ठीक है। और ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट इसमें आप अच्छे से नोट्स अगर बनाते हैं, ठीक है, सारे पार्ट्स को आप सीक्वेंस वाइज अगर आप मेंशन करते हैं और लास्ट में मैकेनिज्म को समझ लेते हैं, तो ये भी टॉपिक आपका आसान होगा, इजी होगा आपके लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक क्या है? ईयर। और ईयर का जो फर्स्ट पॉइंट है कि ये जो ईयर है ये सेंस ऑर्गन है, और इसके दो सेंसरी फंक्शन है। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है सेंसरी फंक्शन। ईयर के टू सेंसरी फंक्शन है। फर्स्ट जो फंक्शन है वो है हियरिंग, सेकेंड जो फंक्शन है वो है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। ये दो फंक्शन हो गए आपका। देन इसके बाद से हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ईयर में, ठीक है। ईयर का जो सब टॉपिक होगा वो क्या होगा? एनाटोमिकल डिवीजन ऑफ ईयर। मतलब अगर आप एनाटॉमी के बिहाफ पे ईयर को डिवाइड करते हैं तो इसके थ्री पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं आउटर ईयर, सेकेंड पार्ट को बोलते हैं मिडिल ईयर, थर्ड पार्ट को बोलते हैं इनर ईयर, ठीक है। ये टोटल यहाँ पे थ्री पार्ट्स आपको मिलेगा ईयर के अंदर, ठीक है। अगर आप डायग्राम देख लेते हैं एनसीईआरटी में तो बेटर होगा, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। एनसीईआरटी के डायग्राम में ये जो पार्ट है आपका यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये आपका एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है, या आप ऐसे बोल सकते हैं आउटर ईयर पार्ट, ठीक है। ये मिडिल ईयर पार्ट है, ठीक है। और ये जो पार्ट है आपका ये इनर पार्ट है, ठीक है। और ये सारे जो आपको नेम दिख रहे हैं ये आपको मैं डिटेल डिस्कस करूँगा जैसा कि मैंने फ्लो चार्ट में बना रखा है, ठीक है। आप एक बार सारे नेम को आप देख लो, पिन्ना, टेम्पोरल बोन्स, मैलस, इनकस, स्टेपिस, ओवल विंडो, कोशलर नर्व, कोक्लिया, यूस्टैकियन ट्यूब, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये सारे नेम आप देख लो, ठीक है। देन आप यहाँ पे देखो मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है एनाटॉमिकल डिवीजन के अकॉर्डिंग। फ्लो चार्ट में फर्स्ट जो पार्ट है वो है आउटर ईयर का, सेकंड जो पार्ट है मिडिल ईयर का है, थर्ड है इनर ईयर का। आउटर ईयर जो पार्ट है उसके फर्दर थ्री पार्ट्स हैं। पिन्ना, पिन्ना का सेकेंड नेम है ऑरिकल्स, ठीक है। ऑरिकल वर्ड आपको हार्ट में भी मिलेगा, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे भी ऑरिकल वर्ड यूज़ किया गया और ऑरिकल जो है पिन्ना का सेकंड नेम है। देन इसके बाद से एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। थर्ड जो है वो क्या है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। देन मिडिल ईयर में देखो तो मिडिल ईयर कंटेन फ्लेक्सिबल चेन ऑफ थ्री स्मॉल बोन, ठीक है। मतलब यहाँ पे थ्री स्मॉल बोन हैं जिनको हम कलेक्टिवली जो है वन वर्ड्स में क्या बोलते हैं, ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईयर ऑसिकल्स, ठीक है। ईयर ऑसिकल्स में फर्स्ट जो बोन होगा वो होगा मैलस, सेकेंड जो बोन होगा वो होगा इनकस, थर्ड बोन होगा स्टेपिस, ठीक है। ये मिडिल ईयर के कंपोनेंट्स हैं, इसको अच्छे से आप तैयार करेंगे। फ्लो चार्ट अगर आपका तैयार है तो आपका टॉपिक का जो मैकेनिज्म होगा वो अच्छे समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। जो टॉपिक का मैकेनिज्म होगा आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर आपने फ्लो चार्ट को नहीं बनाया, नोट्स को नहीं बनाया, तो प्रॉब्लम हो सकता है आगे आपको, ठीक है। फिलहाल हम थर्ड पार्ट की तरफ फोकस करते हैं। थर्ड जो पार्ट है वो क्या है? इनर ईयर, ठीक है। इनर ईयर में मेन जो कंपोनेंट है वो क्या है? लैम्ब्रिथ है। क्या है? लैम्ब्रिथ। आप देख सकते हैं लैम्ब्रिथ यहाँ पे मेंशन है, और लैम्ब्रिथ में भी दो पार्ट हैं, मेम्ब्रेनस लैम्ब्रिथ और बोनी लैम्ब्रिथ, जो मैं आपको डायग्राम में बनाकर बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि इट कंप्राइजेस मेन हियरिंग ऑर्गन कोक्लिया एंड कंटेन वेस्टिबुलर ऑपरेटस। वेस्टिबुलर ऑपरेटस, कोक्लिया और वेस्टिबुलर ऑपरेटस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो आगे मैं डिस्कस करूंगा। और एनसीईआरटी ने इसका डायग्राम भी बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं एक बार। यहाँ पे देखो आप, ये जो पार्ट है ये कोक्लिया है, और यहाँ पे ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये वेस्टिबुलर ऑपरेटस है, ठीक है, वेस्टिबुलर ऑपरेटस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉकलिया का डायग्राम भी बना रखा है एनसीईआरटी ने, ठीक है, जिसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है ये, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इसका मैकेनिज्म बहुत
यूनिक टाइप का होता है, ठीक है ना। फिलहाल हम नोट्स को फोकस करते हैं। नोट्स में हमने क्या देखा, आउटर ईयर के कंपोनेंट्स देखा, मिडिल ईयर के कंपोनेंट्स देखा, ठीक है, और इनर ईयर के कंपोनेंट्स देखा, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट्स देखने के बाद से फिर हम वन बाय वन सारे कंपोनेंट्स को डिटेल करेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट है आउटर ईयर, उसको एक बार देखते हैं, ठीक है। आउटर ईयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है पिन्ना, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑरिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑरिकल्स, ठीक है। और ये जो ऑरिकल्स होता है ये ओवल शेप का होता है, ओवल या फनल शेप भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है कार्टिलेज, और कार्टिलेज पे स्किन और मसल्स होते हैं, ठीक है। मतलब कि लेयर के फॉर्म में ये स्किन और मसल्स आपको कार्टिलेज में मिलेंगे। शेप की बात है तो शेप आपका ओवल है, फनल शेप है, आप डायग्राम में देख सकते हो आप, ठीक है। आप ये देखो, ये ओवल शेप का है, ठीक है, और ये फनल जैसा, अगर आप देखोगे इस पार्ट को तो लगेगा कि ये फनल की तरह है। किस तरह है? फनल की तरह है, ठीक है। और पिन्ना के जस्ट आगे जाएंगे तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस पार्ट, ठीक है, ये क्या होगा आपका मिटस पार्ट। क्या होगा? मिटस। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आर एक्सटर्नल ऑडिटरी मिटस, ठीक है, इस पार्ट को। बट यहाँ पे पिन्ना में आपको ध्यान देना है कि यहाँ से डाउन हो रहा है स्ट्रक्चर, तो ये फनल जैसा दिख रहा है आपको, ये पार्ट फनल जैसा दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा, ठीक है। पिन्ना इज एन ओवल सम वॉट फनल शेप्ड स्किन कवर्ड फ्लैप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। ये भी ध्यान देना है कि ये कैसा कार्टिलेज है, इलास्टिक कार्टिलेज है, ठीक है। और ये पार्ट एक्चुअली क्या करेगा, इसका रोल क्या है ईयर में, तो ये साउंड वेव को कलेक्ट करता है, ठीक है। एक्चुअली ये क्या करेगा, साउंड वेव को कलेक्ट करेगा, ठीक है, ध्यान देना, साउंड वेव को ये कलेक्ट करेगा एंड डायरेक्ट्स देम इनटू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। जो साउंड वेव है वो आगे सेंड करेगा, कहाँ पे सेंड करेगा, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आर मिटस में, जो कि मैंने अभी डायग्राम में बताया। एक बार फिर से देख लो, ये आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है और यहाँ से साउंड वेव आगे की तरफ मूव करेंगे, और ये एरो यहाँ पे दिख रहा है आपको, एरो शो कर रहा है साउंड वेव के डायरेक्शन को, ठीक है। देन इसके बाद से हम डिटेल करेंगे किसको, इसके बाद डिटेल करेंगे एक्सटर्नल ऑडिटरी मिटस को, ठीक है, जिसको हम कैनाल भी बोलते हैं। और ये जो कैनाल है ये एस शेप का होता है। कैसा होता है? एस शेप का होता है, ठीक है, और ट्यूब लाइक होता है, और आगे जाकर जो है ये किससे कनेक्ट होता है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जाकर अटैच होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच होता है। और स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट फ्रॉम द पिन्ना। आप सेंटेंस को देखो, यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इज एन एस शेप ट्यूब लीडिंग इनवर्ड फ्रॉम द पिन्ना, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, इसके दो रीज़न है, एक आउटर रीज़न है और एक इनर रीज़न है। इसको एक बार हम डायग्राम में देखते हैं, ठीक है। ये आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, क्या, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, और एंड कहाँ पे होता है? यहाँ पे एंड होता है। तो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट पार्ट है ये है आउटर पार्ट, और ये पार्ट क्या है? इनर पार्ट, ठीक है। तो आउटर और इनर को हम यहाँ पे मेंशन कर दें, ठीक है, और फिर इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। और ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे बात हो रही है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की, ठीक है। तो एक बार हम देखते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में आउटर जो रीजन होगा वहाँ पे ढेर सारे हेयर होंगे, और जो इनर रीजन होगा वहाँ पे क्या होगा? सिरुमिनस आर वैक्स ग्लैंड होंगे। क्या होंगे? वैक्स ग्लैंड, ये आपको लर्न करना होगा, ठीक है। और दोनों का फंक्शन मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप यहाँ पे देखो, हेयर जो प्रेजेंट है आउटर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी मिटस में, उसका फंक्शन क्या है? डस्ट पार्टिकल को जो है बाहर की तरफ मतलब रोकना, ठीक है, उसको अंदर आने से प्रिवेंट करना, ठीक है, क्योंकि ईयर के इंटीरियर साइड में जितना डस्ट जाएगा वो हमारे लिए हार्मफुल होगा, इसलिए जो है डस्ट पार्टिकल को कोशिश करते हैं कि वो अंदर की तरफ शिफ्ट ना करें, ठीक है। तो ये हेयर का फंक्शन हो गया, सर्व टू कीप आउट द डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। वैक्स ग्लैंड कहाँ पे होते हैं? ये इनर रीजन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी मिटस, ठीक है। और ये क्या करेगा? लुब्रिकेंट की तरह वर्क करेगा, क्योंकि वैक्स ग्लैंड वैक्स प्रोड्यूस करेंगे, और वो जो वैक्स होगा वो लुब्रिकेशन के काम करेगा एंड प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द मिटस, ठीक है, मिटस की लाइनिंग करेगा, ये मेंटेन करेगा,
ठीक है, तो ये आपका आउटर जो ईयर पार्ट है ये फिनिश हो गया। अब इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे मिडिल ईयर को, ठीक है। मिडिल ईयर एक्चुअली क्या है, ये कैविटी है, ठीक है। आप देखो, मिडिल ईयर इज एन एयर फिल्ड कैविटी इन द टेम्पोरल बोन, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ना डायग्राम में, टेम्पोरल बोन, ठीक है। जब आप इसका हेड पार्ट पढ़ेंगे तो हेड पार्ट का ही ये पार्ट है टेम्पोरल बोन, ठीक है। तो टेम्पोरल बोन के वजह से एक कैविटी बनता है, ठीक है, ईयर पार्ट में, उसी को हम क्या बोलते हैं, मिडिल ईयर, ठीक है ना। मिडिल ईयर इज एन एयर फिल्ड कैविटी इन द टेम्पोरल बोन दैट ओपन वाया ऑडिटरी आर यूस्टैकियन ट्यूब इनटू नेसोफेरिंग्स, ठीक है। आप ओरल कैविटी एंड फेरिंग्स अगर आप डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे फेरिंग्स के सब पार्ट्स मिलेंगे, फेरिंग्स के सब पार्ट, जैसे कि लैरिंजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और नेसोफेरिंग्स, ठीक है। तो नेसोफेरिंग्स जो है, ये फेरिंग्स जो है ऑडिटरी ट्यूब से कनेक्ट होता है, ठीक है। और ऑडिटरी ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, यूस्टैकियन ट्यूब बोलते हैं। आप डायग्राम में यहाँ पे देखो, ठीक है, ये आपका ईयर है, ठीक है, और ईयर से बिलो होता है आपका फेरिंग्स, ठीक है। तो ये जो है मिडिल पार्ट से एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक है, जिसको क्या बोल रहे हैं, यूस्टैकियन ट्यूब। और ये यूस्टैकियन ट्यूब आकर कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ये कनेक्ट हो रहा है फेरिंग्स में, ठीक है, नेसोफेरिंग्स में। तो ये आपका हो गया नेसोफेरिंग्स की कहानी। अब हम आगे डिस्कस करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया था कि मिडिल ईयर जब स्टार्ट होगा, ठीक है, तो वो कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कैविटी है आपका, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, मिडिल, इसको हम बोलेंगे एयर फील्ड कैविटी। क्या बोलेंगे, एयर फील्ड कैविटी। और ये जो आपको दिख रहा है ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, आर ईयर ड्रम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, ईयर ऑस्किल्स होते हैं। क्या होते हैं, ईयर ऑस्किल्स। और ईयर ऑस्किल्स में थ्री बोन्स होते हैं। फर्स्ट जो बोन होता है वो होता है मैलस, इंकस और स्टेपिस, ठीक है। उसी को मैंने सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, मैलस, इंकस और स्टेपिस। ये बोन्स हैं, स्मॉल बोन्स हैं, और ये कहाँ पे होते हैं, इस कैविटी के अंदर अरेंज होते हैं सिस्टमेटिक ऑर्डर में, ठीक है ना। आगे डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से ये अरेंज होते हैं, ठीक है। फिलहाल हम डिस्कस कर रहे थे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, जिसका सेकेंड नेम क्या है, ईयर ड्रम है, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को जब आप आउटसाइड से देखेंगे तो इसका जो कंपोजिशन होगा वो किससे बना होगा, कनेक्टिव टिश्यू से बना होगा और साथ में स्किन होगा, ठीक है। इस साइड से कनेक्टिव टिश्यू और स्किन मिलेगा, और इन साइड से आपको क्या मिलेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन मिलेगा। क्या मिलेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। इधर से जब देखेंगे इस साइड से तो म्यूकस मेम्ब्रेन, बट जब आप आउटर साइड से इसका कंपोजिशन चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको कनेक्टिव टिश्यू और स्किन मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना है आपको। अब यहाँ पे आ जाओ आप, मिडिल ईयर कंटेन फ्लेक्सिबल चेन ऑफ थ्री स्मॉल बोन कॉल्ड ईयर ऑस्किल्स, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, इसका जो फर्स्ट बोन होगा द मैलस, देन इनकस, देन स्टेपिस, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। और इसको हम यहाँ पे सीक्वेंस वाइज मेंशन करते हैं, जैसा कि आपके मिडिल ईयर पार्ट में प्रेजेंट होता है। जब आप मिडिल ईयर पार्ट को देखते हैं तो सबसे पहले क्या मिलता है आपको, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे मैंने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मेंशन कर रखा है। देन मैलस मिलेगा, देन इनकस मिलेगा, देन स्टेपिस मिलेगा, देन आपको ओवल मेम्ब्रेन मिलेगा, ठीक है। ओवल मेम्ब्रेन, ओवल शेप का एक मेम्ब्रेन होता है जिसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। और ये ओवल मेम्ब्रेन ओवल विंडो में जाकर ओपन होगा, ठीक है। और ओवल विंडो इज अ पार्ट ऑफ इनर ईयर, ठीक है, जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। एक चीज ध्यान देना कि जो यहाँ पे ईयर ऑस्किल्स के बोन है वो किस सिस्टम पे वर्क करते हैं, मतलब इनका अरेंजमेंट कैसा है। आप देखो, द ऑस्किल्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे एज टू एक्ट एज अ लीवर सिस्टम टू इंक्रीज द फोर्स ऑफ द वाइब्रेशन फ्रॉम द ईयर ड्रम, ठीक है। ईयर ड्रम से जब एक बार साउंड वेव मिल जाता है, ठीक है, तो वो उसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है, ईयर ऑस्किल्स पे पड़ता है। और ईयर ऑस्किल्स में बोन्स हैं जो लीवर सिस्टम पे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है।
और वो एक तरीके से और ज़्यादा साउंड को एम्पलीफाई करते हैं, साउंड वेव को और ज़्यादा एम्पलीफाई करते हैं। यहाँ पे हम एनसीईआरटी की लाइन एक बार देख लेते हैं। द ऑसिकल्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे एज टू एक्ट एज अ लीवर सिस्टम टू इंक्रीज द फोर्स ऑफ द वाइब्रेशन फ्रॉम द ईयर ड्रम। ठीक है, ये जो बोन होते हैं वो जो वाइब्रेशन साउंड वेव से जो वाइब्रेशन होते हैं उसको और ज़्यादा ये इंक्रीज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने फंक्शन भी मेंशन कर रखा है, आप देखो यहाँ पे ईयर ऑसिकल्स इज टू ट्रांसमिट एंड एम्पलीफाई साउंड वेव्स। ठीक है, मिडिल ईयर में सेकेंड लास्ट पॉइंट रिलेटेड है मिडिल ईयर में प्रेजेंट स्मॉल बोन से। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि मिडिल ईयर में 3 स्मॉल बोन होते हैं जिसमें से फर्स्ट बोन है मैलस, सेकेंड बोन है इनकस और थर्ड बोन है स्टेपिस। स्टेपिस जो है हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट बोन होता है। ठीक है, ये भी लर्न करना होगा आपको। मैलस जो बोन है इसका शेप कैसा होता है, हैमर शेप होगा। इनकस का शेप कैसा होगा, एनविल शेप होगा। और स्टेपिस का शेप जो होगा वो स्ट्रूप शेप होगा। तो ये शेप आप लर्न कर लेंगे। ठीक है, देन इसके बाद से एक और पॉइंट है मिडिल ईयर से रिलेटेड। आप यहाँ पे देखो द यूस्टाकियन ट्यूब हेल्प इन इक्वलाइज द प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ ईयर ड्रम। ठीक है, ईयर ड्रम को हम क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम को हम बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। आप यहाँ पे नोट कर लो। ठीक है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इसका सेकेंड नेम क्या है, ईयर ड्रम। ये आपका वायलेट कलर से शो किया गया है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सपोज दैट ऐसे है। ठीक है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दोनों साइड से जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा, ये दोनों साइड से जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा, वही यहाँ पे मेंशन है। आप देखो द यूस्टाकियन ट्यूब हेल्प इन इक्वलाइज द प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम। ये जो साइड होगा ये यूस्टाकियन ट्यूब से कनेक्टेड है, और इधर जो ये साइड होगा ये कनेक्टेड किससे है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल से। ठीक है ना, तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल से भी साउंड वेव का प्रेशर आ रहा है इधर से। ठीक है, विंड का प्रेशर रहेगा ना साउंड के साथ। ठीक है, और इधर से जो आपके माउथ से कनेक्ट है, माउथ मीन्स कि आपको मैंने बताया था कि नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, तो ये नेजोफेरिंग्स से कनेक्टेड है यूस्टाकियन ट्यूब। ठीक है, और इधर से भी जो है एयर का प्रेशर होता है। ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल जैसे कि कभी बम ब्लास्ट होता है, बम ब्लास्ट अगर कभी हुआ तो होता क्या है कि आपका माउथ ओपन हो जाता है। माउथ इसलिए ओपन होता है ताकि एयर का प्रेशर इस इधर से भी बैलेंस हो जाए और इस साइड से भी बैलेंस हो जाए। इधर से तो साउंड वेव आते हैं तो इधर भी प्रेशर होता है, और उसको बैलेंस करने के लिए आपका माउथ ओपन हो जाता है। माउथ ओपन होने से क्या होता है, वाया फेरिंग्स जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे इंटरनली एक प्रेशर जनरेट होता है जो इधर से आने वाले प्रेशर को इक्वलाइज करता है। ठीक है, और यही पॉइंट यहाँ पे मेंशन करता है। ठीक है, ये देखो आप, यूस्टाकियन ट्यूब हेल्प इन इक्वलाइज द प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ ईयर ड्रम। ठीक है, सपोज दैट अगर आप माउथ ओपन नहीं करते हैं, बाय द वे आपने माउथ ओपन नहीं किया तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सडनली प्रेशर वन साइड से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये जो आपका पिन्ना है या एक्सटर्नल आर्टरी कैनाल है, इधर से प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और इधर से प्रेशर लो रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद से नेक्स्ट हम हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं इनर ईयर। ठीक है ना, इनर ईयर मतलब थर्ड पार्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और इनर ईयर को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ आपको मैं बता देता हूँ वहाँ पे क्या क्या मिलेगा आपको। आप देखो यहाँ पे जो आपके इनर ईयर के मेन मेन जो कंपोनेंट है वो क्या है, लैम्ब्रिथ है। ठीक है, लैम्ब्रिथ के अंदर एक पार्ट होता है ऑर्गन ऑफ कोटाई। देखो ऑर्गन ऑफ कोटाई हमको पढ़ना है, देन इसके बाद से कॉकलिया एक पार्ट मिलेगा, और कॉकलिया एक्चुअली में ये भी लैम्ब्रिथ का ही क्वाइल्ड पार्ट है, लैम्ब्रिथ का क्वाइल्ड पार्ट है। ठीक है, जिसको आगे मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, देन इसके बाद से आप देखो वेस्टिबुलर अपरेटस, वेस्टिबुलर अपरेटस के टू कंपोनेंट्स हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं जिसके नंबर टोटल कितने हैं, 3 नंबर्स में है ये। और सेकेंड जो कॉम्पोनेंट होगा वेस्टिबुलर अपरेटस का वो होगा ओटोलिथ। ठीक है, तो ये आपके
कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसको मैं डिस्कस करूंगा, बट उससे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ये जो पार्ट आपका था वो था एक्सटर्नल ईयर पार्ट, ये जो पार्ट आपका है ये है आपका मिडिल ईयर, और मिडिल ईयर के बाद क्या मिलने वाला है आपको इंटरनल ईयर। ठीक है, इंटरनल ईयर जस्ट इस रेड पार्ट से आगे का पार्ट इंटरनल ईयर का होगा, जिसमें आपको मिलेगा क्या, लैम्ब्रिथ मिलेगा। लैम्ब्रिथ में प्रेजेंट आपको कॉकलिया मिलेगा। कॉकलिया एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, आप देखो ये लैम्ब्रिथ का क्वाइलिंग जब हो जाता है, ठीक है, आप देखो कोई भी एक ट्यूब है और उसके एंड पे क्वाइलिंग हो जाती है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा वो, ठीक है। और इस क्वाइल पार्ट को, लैम्ब्रिथ के इस क्वाइल पार्ट को आप क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉकलिया। और फिर ये आपके क्या हैं, वेस्टिबुलर अपरेटस के वेस्टिबुलर कैनॉल्स हैं, ये थ्री कैनॉल्स होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ यहीं पे आपको ओटोलिथ मिल जाएगा, क्या मिलेगा, ओटोलिथ, ठीक है। बट इनर ईयर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मॉडल जैसा बना के आपके लिए बनाया है, ठीक है। जैसे आप जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को रीड करते हैं, ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से, अगर आप अगर ईयर के अंदर इसको आप अगर देखते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, ये सपोज दैट ये क्या है आपका, ये आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को अगर आप ऐसे देखो, ठीक है, इस तरीके से देखो, तो इधर होगा आपका एक ओवल शेप का ओपनिंग होगा, ओवल शेप का ओपनिंग होगा, जिसको आप बोलेंगे ओवल विंडो, और दूसरी तरफ होगा राउंड विंडो जो सर्कुलर होगा, कैसा होगा, सर्कुलर होगा। और ये दोनों विंडो कहाँ पे हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, कहाँ पे हैं ये, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, ठीक है। और इसको हम ऐसे रख देते हैं, ठीक है, ऐसे रखेंगे, मैं इसको थोड़ा कैमरा का पोजिशन चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ, ये है, ठीक है, इस तरीके से आपका होगा, ठीक है। और इधर से आपका क्या आएगा, लैम्ब्रिथ आएगा, क्या आएगा, लैम्ब्रिथ आएगा, और ये लैम्ब्रिथ वापस यहाँ जाकर सर्कुलर वाले पार्ट में कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से लैम्ब्रिथ यूं आएगा, ठीक है, फिर यूं जाएगा और ऐसे हो जाएगा, जिसको मैं इस मॉडल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ये देखो आप, ये है ना, ये लैम्ब्रिथ है, ठीक है, लैम्ब्रिथ कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होगा, ठीक है। लैम्ब्रिथ का एक जो एंड होगा, वन एंड कनेक्टेड विथ ओवल विंडो, ठीक है, एंड सेकेंड जो एंड होगा, सेकेंड एंड कनेक्टेड विथ द राउंड विंडो, ये चीज ध्यान देना होगा, ठीक है। और ये विंडोज कहाँ पे हैं, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में है, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि ये जो लैम्ब्रिथ है, इस लैम्ब्रिथ में आपको समझना है कि इसमें बोनी लैम्ब्रिथ और मेम्ब्रेनस लैम्ब्रिथ कहाँ पे होते हैं, ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, आप ऐसे देखो, ये आपका क्या है, बोनी लैम्ब्रिथ है, जो आउटर जो ये आपको दिख रहा है कवरिंग, ये है आपका बोनी लैम्ब्रिथ, ठीक है। और ये जो है आपका क्या है, ये है मेम्ब्रेनस लैम्ब्रिथ, ठीक है। आप देखो ऊपर की तरफ ये कैसा लैम्ब्रिथ है, बोनी लैम्ब्रिथ है, ठीक है, और अंदर की तरफ कैसा है, ये मेम्ब्रेनस लैम्ब्रिथ है, ठीक है। इसको जब हम कट करते हैं, ठीक है, तो एनसीईआरटी इसको ऐसे हम कट करेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल अगर कट करते हैं तो एनसीईआरटी का एक डायग्राम आपको दिखेगा, वो डायग्राम क्या है, ये है डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका क्या है, ये मेम्ब्रेनस लैम्ब्रिथ है, ये पार्ट आपका मेम्ब्रेनस लैम्ब्रिथ है, और ये जो पार्ट आपका क्या है, ये बोनी लैम्ब्रिथ है, क्या है, बोनी लैम्ब्रिथ, ठीक है। एक बार मॉडल को देखो आप, ये आपका बोनी लैम्ब्रिथ है और ये है मेम्ब्रेनस लैम्ब्रिथ, ठीक है। जो बोनी लैम्ब्रिथ है ये ये किसको कवर करके रखता है, ये पेरी लिम्फ को कवर करता है, किसको करता है, पेरी लिम्फ, ठीक है, मतलब कि ये जो एरिया होगा ये पेरी लिम्फ का होगा, किसका होगा, पेरी लिम्फ का एरिया, और ये जो एरिया होगा इसमें जो फ्लूइड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोलिम्फ, ध्यान देना आप लोग, ठीक है, एंडोलिम्फ। और एक चीज ध्यान देना कि जो ये लैम्ब्रिथ है, लैम्ब्रिथ का जो फर्स्ट एंड है वो ओवल विंडो से कनेक्ट होगा, किससे होगा, ओवल विंडो, और ओवल विंडो आकर जो है वो किससे कनेक्ट होता है,
स्केला वेस्टिबुलिस है, ठीक है। ओवल विंडो कहाँ पे है? ओवल विंडो फाउंड इन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड दिस विंडो कनेक्टेड विद द स्केला वेस्टिबुली ओपनिंग विच इज द ओपनिंग फाउंड ऑन मेम्ब्रेनस एंड बोनी लैम्ब्रिथ, ठीक है। ये जो ओपनिंग है ये कहाँ पे मिलेगा आपको? ये लैम्ब्रिथ में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? लैम्ब्रिथ के फर्स्ट एंड पे मिलेगा। देन सिमिलरली एक और आपको ओपनिंग मिलेगा, वो मिलेगा आपको राउंड विंडो। क्या मिलेगा आपको? राउंड विंडो, ठीक है। तो राउंड विंडो ये कहाँ पे है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में है। और ये जो है लैम्ब्रिथ के जिस ओपनिंग से कनेक्ट होगा उसको बोलेंगे स्केला टिम्पैनी। क्या बोलेंगे? स्केला टिम्पैनी। जैसे कि ये सेकेंड एंड है, सेकेंड एंड देखो ये जो ओपनिंग है स्केला क्या है? स्केला टिम्पैनी है। और जो फर्स्ट वाला था वो क्या था आपका? स्केला वेस्टिबुली था, ठीक है। स्केला वेस्टिबुली, ये आपका स्केला वेस्टिबुली हो गया और ये स्केला टिम्पैनी हो गया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना क्योंकि यहाँ पे इमेजिन करना टफ है। जब आप लैम्ब्रिथ को पढ़ते हैं तो लैम्ब्रिथ को इमेजिन करना टफ है, बट किसी न किसी तरीके से आप इसको समझेंगे जरूर, ठीक है। और मैंने इसीलिए मॉडल बना के रखा है ताकि आप अच्छे से डायग्राम को समझ सकें। एक बार हम एनसीईआरटी को देखते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी बोल रहा है कि फ्लूइड फील्ड ईयर इनर ईयर, ठीक है, कॉल्ड लैम्ब्रिथ, और इसके अंदर कंसिस्ट है टू पार्ट्स। फर्स्ट जो पार्ट है उसको बोलते हैं बोनी लैम्ब्रिथ एंड सेकेंड पार्ट को क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेनस लैम्ब्रिथ, ठीक है। जो बोनी लैम्ब्रिथ होता है वो एक्चुअली में उसमें कौन सा लिम्फ होता है? उसमें पेरी लिम्फ होता है। और पेरी लिम्फ जो होता है, ठीक है, आप देखो यहाँ पे मॉडल में, अगर यहाँ पे पेरी लिम्फ होगा, ये चारों तरफ पेरी लिम्फ होगा, तो ये किसको कवर करके रखेगा? ये मेम्ब्रेनस लैम्ब्रिथ को कवर करके रखेगा। ये मेम्ब्रेनस है और ये पेरी लिम्फ है, दोनों के बीच, सॉरी, ये मेम्ब्रेनस है और ये आपका क्या है? ये बोनी लैम्ब्रिथ है। तो दोनों के बीच जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा? पेरी लिम्फ। इधर भी पेरी लिम्फ होगा, इधर भी पेरिलिम्फ होगा, और सेंटर में जो होगा वो एंडोलिम्फ होगा। इस चीज को समझना होगा, ठीक है। और एक और पॉइंट है कि जब आप लैम्ब्रिथ को डिफाइन करते हैं, ठीक है, लैम्ब्रिथ बोनी या आपका मेम्ब्रेनस लैम्ब्रिथ, तो ये कुछ प्लेस पे कनेक्टेड होते हैं। आप यहाँ पे लिटरेचर को थोड़ा ध्यान दो। आप देखो यहाँ पे द मेम्ब्रेनस लैम्ब्रिथ इज ज्वाइंट टू द बोनी लैम्ब्रिथ एट सर्टन पॉइंट्स, बट इट्स ग्रेटर पार्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द बोनी लैम्ब्रिथ बाई नैरो पेरिलिम्फैटिक स्पेस। पेरिलिम्फैटिक स्पेस से ये सेपरेट होते हैं, बट कुछ ऐसे प्लेस हैं जहां पर ये कनेक्टेड होते हैं, तो ये चीज ध्यान देना होगा। दिस स्पेस कंटेन वाटरी फ्लूड कॉल्ड पेरिलिम्फ, ठीक है। और पेरिलिम्फ सराउंड किसको करता है? मेम्ब्रेनस लैम्ब्रिथ को, क्योंकि सेंटर में कौन सा लैम्ब्रिथ है? मेम्ब्रेनस लैम्ब्रिथ है। दैट्स वाई उसको बाहर से सराउंड जो करने वाला लिम्फ होगा वो होगा पेरिलिम्फ, और इनसाइड है मेम्ब्रेनस लैम्ब्रिथ क्या होगा? एक दूसरा फ्लूइड होगा जिसको हम बोलेंगे एंडोलिम्फ, ठीक है ना। तो ये नोट करना होगा। देन इसके बाद से आते हैं लैम्ब्रिथ का जो एंड होता है, जैसे कि सपोज दैट ये आपका लैम्ब्रिथ है, ठीक है, ये लैम्ब्रिथ को ऐसे फोल्ड कर दिया यू शेप में, तो जब फोल्ड कर दिया तो इसका जो ये पार्ट होगा, ये पार्ट, ठीक है, इसको आप क्वाइल कर दो। क्या करेंगे आप? क्वाइल कर देंगे, ठीक है। तो ये जो पार्ट है जो दिख रहा है ये कोकिलिया होगा, ये क्या होगा? कोकिलिया, ठीक है, इसको ध्यान देना, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है द क्वाइल्ड पोर्शन ऑफ द लैम्ब्रिथ इज कॉल्ड कोकिलिया, ठीक है। और कोकिलिया का डायग्राम आपके एनसीईआरटी में है। आप देखो यहाँ पे ये पार्ट आपका कोकिलिया का है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो मेंशन है द क्वाइल्ड पोर्शन ऑफ द लैम्ब्रिथ इज कॉल्ड कोकिलिया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना। अब आते हैं मेम्ब्रेनस लैम्ब्रिथ को डिस्कस करते हैं। मेम्ब्रेनस लैम्ब्रिथ को जब डिस्कस करेंगे कोकिलिया वाले पोर्शन में, तो वहां पे मेम्ब्रेन्स मिलेंगे, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं कि जो ये कोकिलिया पार्ट है, कोकिलिया पार्ट को जब आप कट करेंगे, ठीक है, आप देखो ना यहाँ पे ये कोकिलिया है ना, कोकिलिया का डायग्राम है, मैंने इसका कट किया। जब कट किया तो ये बाहर बाहर क्या दिख रहा है? ये आपका बोनी लैम्ब्रिथ है, ठीक है, और सेंटर के तरफ क्या है आपका? मेम्ब्रेनस लैम्ब्रिथ है। और मेम्ब्रेनस लैम्ब्रिथ में ये जो पार्ट है ये कौन सा है? बेसलर मेम्ब्रेन है। कौन सा है? बेसलर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये है आपका टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। कौन सा है? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन,
ठीक है। और ये जो ऊपर दिख रहा है ये है आपका रेजिनर मेम्ब्रेन्स, क्या है? रेजिनर मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा बेसलर मेम्ब्रेन है, कौन सा टेक्टोरियल मेम्ब्रेन्स है और कौन सा रेजिनर मेम्ब्रेन है, और इनकी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पोजिशन भी आपको ध्यान देनी होगी, ठीक है। तो अब हम जब लैम्ब्रेथ के मेम्ब्रेनस पार्ट को देखेंगे तो ये सारे नेम हमको लर्न होने चाहिए, ठीक है, जिसको मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। आप ये तो समझ गए कि लैम्ब्रेथ कहाँ कहाँ पे है, कौन सा लैम्ब्रेथ किसके अंदर है और कौन सा फ्लूड उनके अंदर प्रेजेंट है। और लैम्ब्रेथ जब ओपन हो रहे हैं स्टार्टिंग में तो वो ओवल विंडो से कनेक्ट हो रहे हैं, ओवल विंडो ओवल शेप का होता है। और लैम्ब्रेथ के किस पार्ट से कनेक्ट होता है? स्केला वेस्टिबुली से कनेक्ट होता है। और जो राउंड विंडो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे होगा वो किससे कनेक्ट होगा? वो स्केला टिम्पैनी से होगा। तो ये चीज ध्यान देना होगा आपको, ठीक है। और देन इसके बाद से हम फोकस करेंगे मेम्ब्रेनस लैम्ब्रेथ वाले पार्ट को, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? ऑर्गन ऑफ कोटाई प्रेजेंट होता है। ऑर्गन ऑफ कोटाई ये पार्ट जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये क्या है आपका? ऑर्गन ऑफ कोटाई है, ठीक है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये ऑर्गन ऑफ कोटाई कहाँ पे होता है? लोकेटेड ऑन द बेसलर मेम्ब्रेन। देखो ये बेसलर मेम्ब्रेन है, यहीं पे लोकेटेड होगा। और इसके अंदर प्रेजेंट क्या होगा? हेयर सेल्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे हेयर सेल्स होंगे। और हेयर सेल्स वर्क कैसे करेंगे? इट एक्ट एज अ ऑडिटरी रिसेप्टर्स, ये ऑडिटरी रिसेप्टर की तरह वर्क करेंगे, ठीक है, ये ध्यान देना होगा। द हेयर सेल्स आर प्रेजेंट इन रो ऑन द इंटरनल साइड ऑफ द ऑर्गन ऑफ कोटाई। ये जो ऑर्गन ऑफ कोटाई है इसके इंटरनल साइड में, ठीक है, इंटरनल साइड में आपको रो के फॉर्म में हेयर सेल्स मिलेंगे, ठीक है। और ये जो भी हेयर सेल्स होते हैं उनके बेसल पार्ट, ठीक है ना, वो किसके क्लोज होंगे? वो क्लोज होंगे एफरेंट, एफरेंट नोट कर लीजिए आप, एफरेंट नर्व फाइबर, एफरेंट नर्व फाइबर से ये कनेक्टेड होंगे। हेयर सेल है ये टोटल, हेयर सेल का बेसल पार्ट किससे कनेक्टेड है? एफरेंट नर्व फाइबर्स, ठीक है। और जो इसका एपिकल पार्ट होता है वहां पे क्या होता है? स्टीरियोसीलिया होते हैं। क्या होते हैं? स्टीरियोसीलिया, जो आगे लिखा हुआ है, अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसेस कॉल्ड स्टीरियोसीलिया आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द एपिकल पार्ट, ठीक है। ये आपका एपिकल पार्ट है, ध्यान दो, ये एपिकल पार्ट है। और बॉटम वाला जो पार्ट है वो बेसल पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? स्टीरियोसीलिया हो गया, ये ध्यान देना है। और ये पार्ट एफरेंट नर्व फाइबर से कनेक्टेड है, ठीक है। अब ध्यान देते हैं यहाँ पे सेंटेंस को। सेंटेंस ने मेंशन किया है, अबव द रो ऑफ हेयर सेल्स इज थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन कॉल्ड ए टिक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो ये आपका टिक्टोरियल मेम्ब्रेन है, ये कैसा है? थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन है। तो ये सारी बातें आपको मेंशन करनी है, ठीक है। अब इसके बाद से इनर ईयर के एक कॉम्प्लेक्स पार्ट को डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है आपका? ये पार्ट, ठीक है। आप देखो ये जो पार्ट है ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है? वेस्टिबुलर अपरेटस है। आप देखो यहाँ पे ये क्या है? वेस्टिबुलर अपरेटस है। और वेस्टिबुलर अपरेटस लोकेटेड कहाँ है? अबव द कॉकलिया। तो ये एग्जैक्टली आप डायग्राम में वैसे ही देखेंगे, ये कॉकलिया के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके दो कंपोनेंट है, फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो है सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। आप देखो वेस्टिबुलर अपरेटस इज कंपोज्ड ऑफ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड द ओटोलिथ, ठीक है। तो ओटोलिथ तो आपको एक्सटर्नली नहीं देखने को मिलेगा, बट जब आप सेमी सर्कुलर कैनाल देखेंगे तो वो एक्सटर्नली आपको देखने को मिलेगा। ये आपका सेमी सर्कुलर कैनाल है, इनके नंबर 3 हैं और ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 90 एंगल पे हैं, ठीक है, मतलब कि परपेंडिकुलर हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ईच सेमी सर्कुलर कैनाल लाइज इन डिफरेंट प्लेन एट अ राइट एंगल टू ईच अदर। तो ये चीज ध्यान देना होगा। फिर से एक बार बता देता हूँ कि टोटल जो सेमी सर्कुलर कैनाल हैं वो 3 हैं और ये एक दूसरे के क्या है? राइट एंगल हैं। तो ये ध्यान देना होगा। और यहाँ पे ध्यान दो, ओटोलिथ जो यहाँ पे मेंशन है, ओटोलिथ एक्चुअली है क्या? मैकुला है। मैकुला इज द सेंसरी पार्ट ऑफ द सेकुली एंड यूट्रिकली, ठीक है, ध्यान देना। ये जो सेकुली और यूट्रिकली है ये क्या है? इसके अंदर मैकुला है और मैकुला के अंदर सेंसरी पार्ट क्या है? सेकुली एंड यूट्रिकली, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, वेस्टिबुलर अपरेटस के अंदर ओटोलिथ है, ओटोलिथ में मैकुला है और मैकुला के अंदर क्या है? सेंसरी पार्ट है सेकुली एंड यूट्रिकली। तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा, ठीक है।
और ये लाइन राइट एंगल वाली लाइन तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। देन इसके बाद से द मेम्ब्रेनस कैनाल आर सस्पेंडेड इन द पेरी लिम्फ ऑफ द बोनी कैनाल, तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। द बेस ऑफ द कैनाल मतलब कि यहाँ पे बात हो रही है किसकी, सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। सेमी सर्कुलर कैनाल का जो बेस होगा, जैसे सपोज दैट ये आपका क्या है, कैनाल है, ये क्या है, कैनाल है, तो उसके बेस पार्ट कैसा होगा, स्वेलन होगा, कैसा होगा, स्वेलन होगा। तो इस स्वेलन पार्ट को मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ये आपका सेमी सर्कुलर कैनाल है और ये बेसल पार्ट है, ठीक है, और इसका एंड जो है वो कैसा है, स्वेलन एंड है, और इस एंड को हम क्या बोल रहे हैं, एम्पुला बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एम्पुला, ठीक है। और एम्पुला में क्या होता है, क्रिस्टा, क्रिस्टा एम्पुलरीज, क्या होता है यहाँ पे, क्रिस्टा एम्पुलरीज होता है, ये ध्यान देना होगा। और क्रिस्टा एम्पुलरीज में क्या होता है, हेयर सेल्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, हेयर सेल्स होते हैं। एक बार फिर से देख लो, ये जो आपका सेमी सर्कुलर कैनाल है इसके आप बेसल पार्ट में जाएंगे, मतलब एंड पार्ट में जाएंगे, तो वो स्वेलन पार्ट है, जिसमें क्या मिलेगा आपको, एम्पुला मिलेगा। और एम्पुला को हम क्या बोलते हैं, एम्पुला को हम क्रिस्टा एम्पुलरीज बोलते हैं, और ये प्रोजेक्टिंग रीज होता है, देखो आप, प्रोजेक्टिंग रीज होता है और इसके अंदर हेयर सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना। अब आपको ध्यान ये देना है कि ये जो एम्पुलरीज है, क्रिस्टा एम्पुलरीज, और यहाँ पे जो मैकुला है, ठीक है, ये दोनों वर्ड्स को फोकस करना है क्योंकि ये आगे काम आएंगे। एक्चुअली यहाँ पे ध्यान दो, द सैकुली एंड यूट्रिकुली कंटेन अ प्रोजेक्टिंग रीज कॉल्ड मैकुला, मतलब कि जब आप प्रोजेक्टिंग पार्ट को फोकस करेंगे तो प्रोजेक्टिंग पार्ट में आपको क्या मिलेगा, सैकुली और यूट्रिकुली मिलेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैकुला बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्रिस्टा और ये मैकुला, इनका आगे फंक्शन है, क्रिस्टा और मैकुला जो होते हैं आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ वेस्टिबुलर अपरेटस, ये जो वेस्टिबुलर अपरेटस था स्टार्टिंग में, ठीक है, ये वेस्टिबुलर अपरेटस है, इसके अंदर क्या होते हैं, क्रिस्टा और मैकुला होते हैं, और ये स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं, और इनका जो मेन रोल है, मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड पॉस्चर, ठीक है। ये मैंने स्टार्टिंग बताया था कि जो आपका ईयर होता है वो बॉडी के बैलेंसिंग को भी हेल्प करता है और हियरिंग के लिए भी होता है। तो ये दोनों पार्ट जो क्रिस्टा और मैकुला है, ये हेल्प करते हैं बॉडी बैलेंसिंग और पॉस्चर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आऊँगा मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, ठीक है। तब तक आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ओके, बाय।